He Diddy. Diddy. Chatter over the shocking. सोचो तुम एक ऐसी जगह पर हो जहाँ पे सिर्फ हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ पार्टी चल रही है, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर असल में ये सब तो सिर्फ एक पर्दा है उन इलीगल एक्टिविटीज को छुपाने के लिए जो यहाँ की जाती है। यहाँ आने वाले लोग खुद मना कर देते हैं कि वो इस पार्टी में कभी प्रेजेंट भी थे। दिस इज कॉल्ड द वाइट पार्टी, डिडी पार्टी। इस पार्टी में खाने की चीज को एक साइड रखो और ड्रग्स को एक साइड। यहाँ पे तुम्हें मिलेगा हर एक तरीके का वो अल्कोहल, हर एक तरीके के वो ड्रग्स जो कि नॉर्मली अवेलेबल होने ही नहीं चाहिए। ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो तुम्हें 30-30 घंटे तक पूरा जगाए रख सकते हैं। It was probably that GHB. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो तुमसे तुम्हारा पूरा कंट्रोल ले लेंगे। बाहर से ये सब कुछ बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पार्टीज में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि असल में होनी नहीं चाहिए। ड्रग्स को एक साइड रखते हैं, अल्कोहल को एक साइड रखते हैं, जो कि नॉर्मली पार्टीज में अवेलेबल होता है अगर कोई ड्रग पार्टी करा रहा हो तो। बट 1000+ बॉटल्स ऑफ बेबी ऑयल, ये क्या कर रही है? ये पार्टीज इनविटेशन ओनली होती है, और ऐसा भी है कि तुम्हारी मर्जी नहीं है, तुम्हें इनविटेशन आया उसके बावजूद तुमको वहाँ जाना पड़ेगा, वरना तुम्हारा पूरा करियर खत्म हो सकता है। यहाँ हॉलीवुड का हर एक आर्टिस्ट, हर एक सिंगर, हर एक म्यूजिशियन भले ही अपनी मर्जी से आए, चाहे जबरदस्ती लाए जाए, वो मौजूद मिलेंगे तुमको। सिम्पसंस को प्रेडिक्शन का बहुत तगड़ा सोर्स माना जाता है, और तुम्हें इस वीडियो में पूरा पूरा दिखाया जाएगा और तुम्हें पता चलेगा कि व्हाइट पार्टीज के बारे में बहुत पहले ही बात हो रखी है। इस वीडियो में तुम्हें अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बियॉन्से भी दिखेगी। अगर तुम किसी कैरेक्टर को ध्यान से एनालाइज करोगे और उनके कपड़ों से मैच करोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा एक्टर कौन है, और लास्ट में तुमको डीडी भी दिखाया जाएगा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि डीडी की पार्टी में जो भी इंसान जाता है वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है कि वो उसकी पार्टी में प्रेजेंट था। बट ऐसा क्यों? क्योंकि असल में उस पार्टी में सिर्फ नशे ही नहीं होते थे, बहुत ज्यादा अलग लेवल की चीजें परफॉर्म होती थी वहाँ पे। ह्यूमन सेक्स, रेप, लेबर, यहाँ तक कि माइनर्स को भी नहीं छोड़ा जाता था। Our youngest victim at the time of the occurrence was 9 years old. We have an individual who was 14 years old. We have one who was 15. काफी सारे तो ऐसे एलिगेशंस लगे हैं जो कि 14, 15, 16 इस एज ग्रुप के जो बच्चे थे उनको भी नहीं छोड़ा गया था। यहाँ तक कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को खुद नहीं छोड़ा था। ये क्लिप देखो जरा तो। Final question, is there anything that you may want to confess tonight before you go in? इस क्लिप में तुम्हें साफ पता चल रहा होगा कि डीडी कितना ज्यादा डरा हुआ है कि उसकी गर्लफ्रेंड कुछ बोल ना दे, क्योंकि अगर उसकी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। डीडी अपनी गर्लफ्रेंड को खुद फोर्सफुली सॉल्ट करता था, साथ में उसको वो खुद से बोलता था कि दूसरे आर्टिस्ट के साथ भी ऐसा करो, और दूसरे मेल आर्टिस्ट भी आते थे, दूसरे मेल जो पार्टीज में प्रेजेंट थे लोग वो भी आके उसके साथ। 2016 की एक फुटेज है जिसमें डीडी अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत बुरी तरीके से मारता है जब वो होटल से निकलने की कोशिश करती है, और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई तो उसने होटल स्टाफ को $50,000 भी ऑफर किए कि इस वीडियो को हटा दो यहाँ से। कुछ ऐसे नाम है जो कि अभी लीक हुए हैं जो इस पार्टी में मौजूद थे, और हो सकता है तुम्हारा फेवरेट कोई सिंगर रहा हो सकता है कोई पॉलिटिशियन रहा हो, जो कि इस पार्टी में नहीं होना चाहिए था। और जो एक बार इस पार्टी में आ जाता है वो हमेशा के लिए अपने जीवन में एक ट्रॉमा लेके चला जाता है। एक इंसान है जो कि इसी व्हाइट पार्टी का बहुत बड़ा शिकार रहा है, जो कि है जस्टिन बीबर। देखो, मैं तुमको डीडी के बारे में ये नहीं बताने वाला हूँ कि उसने कैसे अपना बैड बॉय रिकॉर्ड स्टार्ट किया, कैसे वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, कैसे उसने खुद के बंदे लॉन्च किए, और कैसे वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे सबका पहुंचने का सपना होता है, बहुत ज्यादा अमीरी आ गई उसके पास, ये सब मैं तुमको नहीं बताने वाला हूँ। बट मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो कि शायद ही तुमको पता होंगी। सोचो तुम 15 साल के बच्चे, और तुम्हें तुम्हारा फेवरेट आर्टिस्ट सामने से आके बोलता है कि हम पूरे 2 दिन एंजॉय करेंगे, साथ में रहेंगे, और ये वादा भी करता है कि वो तुमको एक आर्टिस्ट बनाएगा। तुम कितने खुश होगे ना, कितनी एक्साइटमेंट होगी तुम्हारे अंदर। सेम जस्टिन बीबर के साथ भी हुआ था। अशर, जो डीडी का बहुत अच्छा दोस्त है और बैड बॉय रिकॉर्ड का एक मेंबर भी है, उसने 15 साल का जस्टिन डीडी को हैंडओवर कर दिया था, और डीडी ने उसे अपने साथ 48 घंटे के लिए रखा, और वो जो 48 घंटे रहे वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। डीडी ने जस्टिन को ऐसी ऐसी ड्रग्स दी, ऐसी ऐसी अजीबो गरीब चीजें पिलाई जिससे जस्टिन अपने सेंसेस में नहीं रहा। इसके बाद डीडी ने उसे असॉल्ट किया और उसको रिकॉर्ड भी किया। डीडी ने जस्टिन को दूसरे लोगों के साथ भी सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए फोर्स किया।
Sexy dice. Fondle butt. Rules are rules. It was hard for me being that young. For the next 48 hours, he's with me. Yeah, people take advantage, of course. Courtesy of this massage oil. It's just so much pain. Now if you watch this video, तुम्हें पता चल रहा होगा कि असल में जस्टिन कहना क्या चाह रहा था। ये जो ऑयल बता रहा है जस्टिन, वो बेबी ऑयल किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो थोड़ा दिमाग तो तुम लगा सकते हो। जस्टिन छोटे छोटे हिंट्स अपने गाने में भी देने लग गया था और ऐसी वीडियोस में भी बताने लग गया था, लेकिन उस टाइम पे हम इतने ना समझते कि हमको कुछ भी पता नहीं चला कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। ऐसा नहीं जस्टिन का फायदा सिर्फ डीडी ने उठाया, इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे लोग हैं जिसने जस्टिन का फायदा उठाया। जस्टिन इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन इन लोगों का कंट्रोल उसके ऊपर इतना था कि हर एक कदम पे ये उसको मॉनिटर करते थे, हर एक चीज पे इन लोगों ने कंट्रोल पा रखा था। Yeah, you got that yummy, yummy, yummy. जस्टिन के जो बहुत ज्यादा लवली गाने, मजेदार गाने लगते हैं ना, असल में वो कोई भी मजेदार गाने नहीं है। उसने अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता रखी है उस गाने के थ्रू। अगर तुम ध्यान से उन गानों के लिरिक्स को सुनोगे ना, तब तुमको जाके पता चलेगा। ये जो यमी यमी सॉन्ग है, इस गाने के बिहाइंड द सीन्स में जस्टिन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी गाने में, वो अपनी पूरी लाइफ बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड रहा, बहुत डिस्टर्ब रहा, और उसी चीज को ओवरकम करने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया, काफी सारे ड्रग्स लेना शुरू कर दिए। जो बेबी बेबी सॉन्ग था जस्टिन का, वो भी एक हिंट ही था। डीडी ने जस्टिन को एक फरारी भी गिफ्ट की थी, और एक इंटरव्यू के दौरान जब जस्टिन के मुंह से ये निकल गया कि उसको एक फरारी गिफ्ट की गई है, तो डीडी ने उसको इनडायरेक्टली सुनाया था कि ये बोलोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। He knows better than be talking about the things that he does with Big Brother Puff on national television. ये सारे गाने सुन के तुम्हें पता चल रहा है कि ये कोई गाने नहीं है, ये असल में हिंट्स हैं जो जस्टिन हमें हमेशा से देता आ रहा है। कोई भी पेरेंट ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा कभी डीडी से मिले। एक इंटरव्यू के दौरान डीडी से विंडी बात कर रही थी, तो उसी के बीच उन्होंने अपने बच्चे के बारे में जिक्र किया, और डीडी ने जो लाइन बोली उसे सुन के वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी। As the mother of a now 16-year-old. Mm-hmm. Who I met backstage, who's... He did? He's a great, great young man. Oh, thank you. Yeah. you represent a lot. तुम्हें क्या लगता है कि डीडी ही सिर्फ अकेले इस गेम में है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आलिया जो कि एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, बहुत अच्छी सिंगर थी, वो म्यूजिक क्वीन बनने वाली थी इंडस्ट्री की, बट शी गॉट रिप्लेस्ड। बियॉन्से, जेजी एंड डीडी, वो कभी नहीं चाहते थे कि आलिया इस म्यूजिक इंडस्ट्री की क्वीन बने, तो इस वजह से उन्होंने उसे मार दिया और उसकी जगह बियॉन्से ने ले ली। और लेफ्ट आई के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पीडीडी, बियॉन्से एंड जेजी, इन तीनों का जन्म 4 तारीख को हुआ था। फिर आता है जेजी का एक एल्बम जो कि 13th एल्बम था, और उसका नाम भी 444 रखा गया। अगर तुम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हो, वो बनता है 25, और ये बहुत स्केरी नंबर है। नंबर में क्या स्केरी हो सकता है वैसे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से सुनो, आलिया की डेथ 25 तारीख को हुई, लेफ्ट आई की डेथ 25 तारीख को हुई, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन की भी डेथ 25 तारीख को हुई थी। और जरा ये गाना सुनो तुम। इस गाने में साफ साफ हिंट दे रखा है, इन तीनों के नाम भी लिए गए हैं। अब 25 ही वो एज है जिसमें टूपाक का मर्डर हुआ था। टूपाक की मर्डर मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है, बट उनके फैमिली वालों का ये कहना है कि डीडी ही इन सब के पीछे था। लियाम, बस एक गलती की वजह से इनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि जो भी इस पार्टी में जाता है, वो कभी भी ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहता कि वो इस पार्टी में प्रेजेंट थे। बट लियाम से एक गलती हो गई, एक शो के दौरान उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल लोगों के नाम रिवील कर दिए थे। I went over to say hello to P. Diddy and Jay-Z was there and Leonardo DiCaprio was sat at the Oh, I think you've dropped enough names. उस समय के बाद से लियाम खुद से कह रहे थे कि उनको डर है कि वो जिंदा नहीं बचने वाले हैं। वो खुद से अपनी गर्लफ्रेंड को काफी बार ये बता रहे थे कि शायद उनकी जान को खतरा है। Oh, I'm not well. He would always play with death and be like, "Well, I'm gonna die. I'm not doing well." और जैसे ही उन्होंने उनके नाम रिवील किए, उसके कुछ समय बाद ही फाउंड डेड। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि बियॉन्से भी उसी होटल में थी जिस होटल में लियाम रह रहे थे, और जस्ट उनकी डेथ से एक दिन पहले बियॉन्से ने उस होटल से चेकआउट कर लिया था। लियाम ने तो अभी छोटे से नाम लिए हैं, बट मेन चीज ये कि यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट है, और उसके अंदर हो सकता है तुम्हारे फेवरेट आर्टिस्ट भी मौजूद हो। Never forget to say thank you to Beyonce. Yo, Taylor.
I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. अगर तुमने ये क्लिप देखी होगी तो तुमको भी उस टाइम लगा होगा कि यार ये क्या कर रहा है, इसने माइक छीना है टेलर स्विफ्ट से और ये बियॉन्से की तारीफ कर रहा है जबकि अवार्ड तो इसको मिला है, और उस टाइम पे तुम्हें गुस्सा भी आया होगा कहने पे। बट हियर इज द कैच, ही वॉज सेविंग हर। जब भी कोई ग्रैमी जीतता है या कोई भी म्यूजिक अवार्ड जीतता है, बेसिकली सबसे ज्यादा ये ग्रैमीज के साथ ही होता है, अगर किसी ने ग्रैमी जीता है तो वो बियॉन्से को थैंक यू जरूर बोलता है, और ये पैटर्न तुम हर जगह नोटिस करोगे। एक तो मुझे इनका नाम प्रोनाउंस करने का पता नहीं चल रहा है कि कैसे प्रोनाउंस करना है, बट ठीक है। एडली इन्होंने जब ग्रैमी जीता था तो ये किस तरीके से थैंक यू बोल रहे थे बियॉन्से को, ये देखो तुम। It may have come back to myself, but I can't possibly accept this award. And I'm very humbled and I'm very grateful and gracious, but my artist of my life is Beyonce in this album for me. The Lemonade album. इस वीडियो में ये साफ साफ पता चल रहा है कि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, बहुत ज्यादा सहमी हुई थी। और ये सिर्फ अकेली ऐसी आर्टिस्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि बियॉन्से को जबरदस्ती थैंक यू बोलते हैं, और इससे पता चलता है बियॉन्से का कितना ज्यादा कंट्रोल है इन ग्रैमी जीतने वालों पे और ग्रैमीज के अवार्ड पे। और ये लोग थैंक यू इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि इन्होंने अपने सामने कितने सारे आर्टिस्ट को मरते हुए देखा है, तो ये थैंक यू बोल के कुछ ऐसा नहीं कर रहे, ये खुद की जान बचा रहे हैं। जब डिडी के घर पे और मायामी के काफी सारे जगह पे जहाँ पे डिडी पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ तक कि लॉस एंजलिस में भी रेड पड़ी, तो काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज निकल के आ रही है। डिडी के घर से एक ऐसी टनल मिली है जो कि काफी सारे आर्टिस्ट के घर तक जाती है, और यहाँ तक कि वो माइकल जैक्सन के घर भी जाती है, और माइकल जैक्सन ने इस चीज का जिक्र अपने गानों में भी करा हुआ है। जो माइकल जैक्सन के घर तक टनल जाती है और ये सब बात हुई है, ये भी सिम्पसंस ने प्रेडिक्ट कर रखा था पहले ही। सेप्टेम्बर 17, 2024, मायामी की रेड में 36 डिवाइसेस मिले, और मैं डिवाइसेस का मतलब स्टोरेज डिवाइस, फोन, लैपटॉप, इनकी बात कर रहा हूँ। बट सबसे शॉकिंग चीज ये कि हर जगह पे बेबी ऑयल और ल्यूब्रिकेंट के हजारों से भी ज्यादा बॉटल अवेलेबल थे। इनका क्या काम है? डीडी की पार्टीज में जो रेड पड़ी है वहां से 192 डिवाइसेस मिले हैं, और जो पर्सनली 8 उनमें से डीडी की थी, और सिर्फ 8 डिवाइसेस में 90 टेराबाइट डेटा था। अब तुम खुद सोचो 90 टेराबाइट के अंदर क्या होगा, उसमें वही सारी चीजें होंगी जो लोगों को सॉल्ट करते समय रिकॉर्ड की जाती थी, क्योंकि फोर्सफुली इस सारे कामों में डाला जाता था। डीडी पे करंटली 120 केसेस फाइल हो रखे हैं, और उनमें से 25 तो वो है जो माइनर्स के साथ उसने, एक लड़की तो सिंपल उसके मेंशन के बाहर खड़ी थी, उस समय एक आदमी आता है जो कि डीडी का ही दोस्त था, और उसको पता था डीडी को किस तरीके के शौक है, और वो लड़की माइनर थी, और उसको देखने बाद वो कहता है कि हम तुम्हें पार्टी में लेके जाएंगे, तुम इनवाइट होगी तो तुम 9 बजे रेडी रहना, और उसके बाद वो उसको पार्टी में लेके जाता है। फिर उस लड़की को ड्रग्स दिए जाते हैं, और जब वो अपना होश खो देती है उसके बाद डीडी 2 हाई प्रोफाइल लोगों के साथ आता है, एक उसमें फीमेल होती है एक मेल होता है। जो मेल होता है वो फोर्सफुली एक्टिविटी करता है उस लड़की के साथ, उसके बाद उसे डीडी के ऊपर धक्का दे दिया जाता है, फिर उसके बाद डीडी ये सारी हरकतें करता है उसके साथ, और ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती है। बट इन सब में आखिर वो हाई प्रोफाइल लोग है कौन जिनका नाम मैं इतने समय से बोल रहा हूँ? चिंता मत करो, तुम्हारे भी फेवरेट आर्टिस्ट होंगे उन काली करतूतों की लिस्ट में। बियॉन्से, जेजी, डीडी, ये तो हर पार्टी में रहेंगे क्योंकि ये तो खुद ही ऑर्गेनाइजर्स है ना। बट इनके अलावा विल स्मिथ, ड्रेक, कार्डी बी, लियोनार्डो डिकैप्रियो, और यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप भी प्रेजेंट था इस पार्टी में, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पार्टी में प्रेजेंट थे। अब तो डीडी को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन एक कंस्पिरेसी ये भी बन रही है कि वो डीडी नहीं है, वो डीडी का क्लोन है। मतलब डीडी कहीं आराम कर रहा होगा, अभी भी पार्टी कर रहा होगा, और उसका क्लोन जेल में सड़ रहा है। बट ये जो 3 जने हैं, डीडी, बियॉन्से, जेजी, हो सकता है ये सिर्फ पपेट हो, असली मॉन्स्टर कोई और होगा। हो सकता है हमें किसी ने पहले भी बता रखा हो कि असली मॉन्स्टर कौन है। हो सकता है इन तीनों को कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो, और वो है टॉमी। And Tommy Mottola is a devil.